गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों रेज द हैंड अगर आपको वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी क्लियर है, प्लीज रेज द हैंड ऑल द स्टूडेंट्स। ओके बेटा, लेट मी स्टार्ट द टूडेज टॉपिक। बच्चों इन द यस्टरडेज क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट, द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों ह्यूमन के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो हैं ह्यूमन हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड, लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, तो ये सब टॉप जो है पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम हार्ट के फंक्शनिंग की। बच्चों जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है। हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है। बच्चों हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और हार्ट का जो राइट पार्ट है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। बच्चों सबसे पहले लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक इसी समय जो बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, राइट या फिर राइट एट्रियम कह सकते हैं इसे। बच्चों दोनों ऑरिकल्स फिल हो जाते हैं और इनसे इनका प्रेशर क्रिएट होता है इनमें और फिर इनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है। बच्चों दोनों ऑरिकल्स के कॉन्ट्रेक्शन को कहते हैं सिस्टॉल। क्या कहते हैं? सिस्टॉल। इससे बच्चों प्रेशर क्रिएट होने से दोनों जो वॉल्व हैं ट्राइकस्पिट एंड बाइकस्पिट वॉल्व ये ओपन हो जाते हैं। जो राइट ऑरिकल का ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और जो लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और फिर ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं जिससे ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता है। अब बच्चों दोनों ऑरिकल्स रिलैक्स होते हैं, इसे हम कहते हैं डायस्टॉल। इसे हम क्या कहते हैं? डायस्टॉल कहते हैं। इसके बाद में बच्चों दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होने पर यहाँ का प्रेशर क्रिएट होता है और इसके बाद में दोनों वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है। बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड मूव करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन को भी हम सिस्टॉल कहते हैं। बच्चों अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एओर्टा में मूव करता है और उनके एंट्रेंस पर सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं जो खुल जाते हैं। इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में मूव करता है, वहां भी सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं जो ओपन हो जाते हैं और पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लंग्स में और वहां CO2 को रिलीज कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा में चला जाता है और फिर जो है ब्लड आगे आर्टरीज के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज तक सप्लाई होता है। अब बच्चों दोनों वेंट्रिकल्स से ब्लड निकल चुका है, अब ये दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, इसे हम कहते हैं डायस्टॉल, वेंट्रिकल्स का डायस्टॉल। अब अगेन जो है बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट ऑरिकल में और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल में और अगेन जो प्रोसेस है वो फिर से इवेंट जो है वही होता है जो अभी हमने समझा है। तो इस प्रकार बच्चों साइक्लिकली क्या होता है, दोनों ऑरिकल्स फिल होते हैं, फिर दोनों वेंट्रिकल्स फिल होते हैं, फिर दोनों वेंट्रिकल खाली हो जाते हैं, फिर से ऑरिकल्स फिल होते हैं। तो इस एक इवेंट को, ये जो साइक्लिक जो इवेंट है जिसमें दोनों ऑरिकल्स फिल होते हैं, फिर दोनों वेंट्रिकल्स फिल होते हैं, फिर अगेन दोनों ऑरिकल्स फिल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। इन साइक्लिकल इवेंट्स को कार्डियक साइकिल कहते हैं। अच्छा बच्चों अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। बच्चों जो हार्ट की पंपिंग है, एक मिनट में 72 टाइम जो हार्ट है वो बीट करता है, ब्लड को पंप करता है, इसे हम हार्ट बीट कहते हैं। एक एवरेज ह्यूमन में, एक एवरेज व्यक्ति में, एक नॉर्मल एडल्ट व्यक्ति में 72 टाइम जो है ऑन एन एवरेज हार्ट बीट पाई जाती है। बच्चों में ये हार्ट बीट ज्यादा होती है, ये अप्रोक्सीमेटली 80, 90 या 100 के आसपास भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो है हार्ट बीट वेरी करती है डिफरेंट ह्यूमन में। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों हम पल्स रेट की। बच्चों जो हमारी कलाई है, जो हमारी
कलाई है, यहाँ पर जो थ्रॉप्स जो महसूस होते हैं, जो रिपीटेड जो थ्रॉप्स महसूस होते हैं हमें आर्टरीज के, इन्हें हम पल्स रेट कहते हैं, और जो पल्स रेट होती है वो इक्वल होती है हार्ट बीट के। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों लबडब। जो लबडब की साउंड मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जब दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है लब, और जब दोनों सेमीलूनर वॉल्व बंद होते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है डब। तो हमें जो स्टेथोस्कोप से जो साउंड सुनाई देती है वो लब और डब की होती है, लब डब डक डक करके जो आवाज सुनाई देती है वो दोनों वॉल्व के बंद होने की होती है। ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं डबल सर्कुलेशन। बच्चों आपने देखा कि हमारे हार्ट से दो बार ब्लड निकलता है। इन ह्यूमन बींग्स द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम द हार्ट ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। दोबारा से सुन लीजिए, ह्यूमन बींग में हार्ट ट्वाइस जो है, हार्ट से जो ब्लड ट्वाइस जो निकलता है तो दो बार निकलने को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से जो है हार्ट की जो है फंक्शनिंग है। अब बच्चों मैं एक कुछ और चीजें बता देता हूं। मैंने बताया कि 60 सेकंड में, भाई 60 सेकंड के अंदर जो हार्ट बीट आती है वो 72 टाइम आती है, ठीक है। तो बच्चों 60 को हम डिवाइड करें 72 से तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम आता है 0.8 सेकंड। एक कार्डियक साइकिल का टाइम आता है 0.8 सेकंड। आई बात समझ में आपके? और बच्चों एक कार्डियक साइकिल में बच्चों 70 ml ब्लड रिलीज होता है। एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड जो है रिलीज होता है, और इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें, अच्छा 70 ml ब्लड एक कार्डियक साइकिल में रिलीज होता है तो इसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा बच्चों 70 ml को यदि हम मल्टीप्लाई करें, ये बच्चों एक्चुअल में ये एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, जो बच्चे डेप्थ में समझना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। ये 70 ml को यदि हम 72 से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 5040 ml, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर जो ब्लड है वो एक मिनट में पंप होता है हमारे हार्ट से। इसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। बच्चों एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 5 से 7 लीटर जो ब्लड है उनकी बॉडी में पाया जाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। बच्चों ब्लड प्रेशर क्या है कि ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड फ्लो से जो प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। बच्चों ब्लड प्रेशर को एक इक्विपमेंट है, उससे हम मेजर कर सकते हैं। उस इक्विपमेंट का नेम है स्फिंगमोमैनोमीटर। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, ब्लड प्रेशर क्या है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड फ्लो से जो एक प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड वेसल्स की वॉल पर, दैट इज द ब्लड प्रेशर, और इसको मेजर करते हैं स्फिंगमोमैनोमीटर के द्वारा। अब बच्चों थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं हम। ये आपके एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन किया है, इसमें एनसीईआरटी बुक में भी कंटेंट दिया है इसका, कि एक नॉर्मल जो ह्यूमन है उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 mmHg एंड 80 mmHg होता है। यानी कि इसको मर्करी से मेजरमेंट किया जाता है स्फिंगमोमैनोमीटर में। और इसमें जो ब्लड वेसल्स भी बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रेक्शन को कहते हैं सिस्टोल, और इस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स होती है, इसे हम कहते हैं डायस्टोल, और इससे जो प्रेशर आता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब बच्चों सिस्टोल होता है तब जो ब्लड प्रेशर जो है, जो हाई रेंज है ब्लड प्रेशर की वो 120 है, और जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है डायस्टोल होती है तो जो डायस्टोलिक जो प्रेशर आता है वो आता है 80 mmHg। तो ये एक नॉर्मल एक हेल्दी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो अपर ब्लड प्रेशर है वो 120 की जगह 140 या 150 आए अपर ब्लड प्रेशर, ठीक है, और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो 80 की जगह 90 या 100 आए, तो ये और लंबे समय तक रहे ऐसा,
तो ये एक डिजीज है, इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो बच्चों जब भी हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज हो जाती है तो इससे हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हमारी किडनीज को नुकसान पहुंचता है, शॉक लगता है और कई बार ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है। इसके अलावा बच्चों कई लोगों में लो ब्लड प्रेशर की बीमारी भी देखने को मिलती है कि जो अपर ब्लड प्रेशर है वो 120 की जगह 100 रहता है या 90 रहता है और जो लोअर ब्लड प्रेशर है वो 80 की जगह 70 या 60 तक चला जाता है। तो इसे हम हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर कहते हैं और ये और भी ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को हार्ट फेलियर हो सकता है या वो कोमा में जा सकता है, अनकॉन्सियस हो सकता है। बच्चों जनरली क्या होता है कि जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो अचानक से चक्कर से आते हैं और व्यक्ति अपना कंट्रोल खोता है। तो ये दोनों ही कंडीशन में हमें ध्यान रखना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर जो है हाई या लो ना रहे। अगर ऐसा किसी को है तो फिर इसको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मेडिसिंस लेनी चाहिए जिससे उसका ब्लड जो प्रेशर है वो मेंटेन बना रहे। अब बात करते हैं बच्चों हम लिम्फेटिक सिस्टम की। अच्छा बच्चों जो डॉक्टर्स जो हार्ट बीट को जो है फील करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम लिम्फेटिक सिस्टम की। बच्चों जब ब्लड में से, जब ब्लड ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर होता है, इंटरस्टिशियल जो टिश्यूज है वहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो ब्लड में से आरबीसी है, प्लेटलेट्स हैं एंड फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स हैं वो फिल्टर हो जाती है। तो पीछे जो व्हाइट फ्लूड रह जाता है जिसमें WBCs पाई जाती हैं, दैट इज द लिम्फ। बच्चों लिम्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूड है बॉडी का और लिम्फ के द्वारा जो जो केमिकल या जो हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज नहीं हो सकते वो लिम्फ के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में। बच्चों जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा जो हॉर्मोन रिलीज होते हैं वो लिम्फ के द्वारा बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई होते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड कंपोनेंट्स का, उनमें जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो लिम्फ में हो जाता है और लिम्फ के थ्रू फिर फैट का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर। तो बच्चों लिम्फ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूड है जो हमारी इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। बच्चों जो लिम्फ वेन्स होती है उनके मिल जो लिम्फ कैपिलरीज है उनके मिलने से लिम्फ वेन्स और लिम्फ वेसल्स बन जाती है और कहीं कहीं जो लिम्फेटिक सिस्टम है वहां पर ग्लैंड्स पाई जाती है, नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं और इन लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर लिम्फोसाइट सेल्स का मैच्योरेशन होता है। बच्चों जो लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो आपको मैं बता दूं एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है जो हमें डिफेंस प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर जो जर्म्स हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में वो कंप्लीट होता है आज। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। प्लीज रेज द हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। एनीबॉडी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे वरुण? आई एम फाइन। बेटा बताइए। आई एम आल्सो फाइन एंड टेल योर क्वेश्चन। सर आपने बताया वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? जो बेटा देखो एक्चुअल में मैंने जो ये डायग्राम बनाया है ना वो कुछ इस तरीके से बनाया है कि आपको शेप भी समझ में आए हार्ट की और इंटरनल जो पार्ट है हार्ट के वो भी समझ में आए। तो इस तरीका का व्यू आपको मैंने दिखाया है, ठीक है ना? तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से जाता है एओर्टा में, जो एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है एओर्टा के अंदर, फिर देन आर्टरी से बॉडी ऑर्गन्स तक चला जाता है। और जो राइट वेंट्रिकल है यहां से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, तो पल्मोनरी ब्लड जो लंग्स के लिए काम आता है, तो पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो जाता है लंग्स की ओर और वहां फिर CO2 को रिलीज किया जाता है। अंडरस्टूड वरुण? ओके, और कोई स्टूडेंट? हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर।
बताइए बेटा विशु कैसे हो? I wanted to ask, sinoatrial node जो होती है, अगर उसमें defect हो जाए, वो by chance defective हो जाए, तो फिर उससे hurt का क्या असर पड़ता है? Sinoatrial node? हाँ. किसकी बात कर रहे हो? SAN की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ हाँ हाँ. हेलो. हाँ तो बेटा pacemaker transplant होता है ना, कि जो ओल्ड पीपुल है उनमें अगर SAN सही से वर्क नहीं करता है, फिर उनमें pacemaker transplant किया जाता है, जिससे उनकी हार्ट की जो है इम्पल्सेस को बनाए रखा जा सके, है ना बेटा? हाँ और कोई? हाँ यस हेलो गुड मॉर्निंग. हेलो गुड मॉर्निंग सर. यस हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हो बताइए? अच्छा हूँ सर. सर लिम्फेटिक सिस्टम एक बार फिर से रिपीट करना. हाँ देखो बेटा क्या होता है कि जैसे आर्टरीज वेन्स और पाई जाती है, वैसे ही हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है. ये लिम्फेटिक सिस्टम बनता है लिम्फ वेसल से, लिम्फ ग्लैंड से और लिम्फ से. लिम्फ भी एक बॉडी फ्लूड ही है, जो कि जब ब्लड फिल्टर हो जाता है ब्लड कैपिलरीज से और इंटरस्टिशियल जो टिश्यूज के स्पेसेज है वहां पर, तो उसमें से क्या होता है कि आरबीसी रिमूव हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स, और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो भी रिमूव हो जाती है, और जो प्लेटलेट्स है वो भी रिमूव हो जाती है. तो अब जो फ्लूड बचा है वो व्हाइट कलर का है, उस व्हाइट कलर के फ्लूड को हम लिम्फ कहते हैं, और उस लिम्फ के अंदर जो है WBCs पाई जाती है. तो जनरली ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जो WBCs हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है. इसके अलावा जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है, और ये लिम्फोसाइट जो लिम्फोसाइट WBC है, WBC दो प्रकार की होती है, ल्यूकोसाइट एंड लिम्फोसाइट. तो जो लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है और हमें डिजीजेस से बचाती है. अच्छा जो लिम्फोसाइट है वो मैच्योर होती है लिम्फ ग्लैंड्स में. तो जगह जगह पर लिम्फ वेसल्स में जहां भी गांठें होती हैं, ग्लैंड होती है, नोड्यूल होते हैं, उन्हें हम लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं, और इनके अंदर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी होता है, प्लस जो जर्म्स हैं वो यहाँ रह जाते हैं, यहाँ फिल्टर हो जाते हैं. हमारे बॉडी में बच्चों यस लिम्फोइड ऑर्गन्स भी है, जिसकी थाइमस ग्लैंड है ये लिम्फोइड ऑर्गन है, हमारे जो टॉन्सिल्स हैं ये लिम्फोइड ऑर्गन है, हमारे हमारे अंदर जो स्प्लीन है जो स्टमक के पास में, वो भी एक लिम्फोइड ऑर्गन है. आई बात समझ में? तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी हमारे बॉडी में. अच्छा एक चीज और, लिम्फ के द्वारा हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा, और लिम्फ के द्वारा जो फैट है उसका भी एब्जॉर्प्शन होके ट्रांसपोर्टेशन होता है. आ गई बात समझ में? ओके और कोई स्टूडेंट? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ध्रुव. हाँ बताइए बेटा. सर हाँ बोल सर, दो डाउट है सर. हाँ बोलिए बोलिए बेटा. सर जो यो मेल का हर्ट होता है और वुमेन का हर्ट होता है सर, उन दोनों में वेट का डिफरेंस क्यों होता है? बस वही फिजिक का फर्क है भाई, जो जनरली मेल होते हैं उनका वेट भी ज्यादा रहता है. एक अगर प्रोपोर्शनेट रेशियो लें अगर मेल और फीमेल का, एक नॉर्मल हेल्थ है उनकी, तो जो मेल है उनका वेट भी ज्यादा होता है, उनकी जो बॉडी जो है मस्कुलाइन होती है, मसल्स उनकी स्ट्रांग होती है, तो फिजिक में डिफरेंस होने की वजह से क्या है कि उनके हार्ट का जो वजन है थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना, वो 300 ग्राम के आसपास रहता है, जबकि फीमेल्स हैं उनका वेट मेल के प्रोपोर्शनेट लें तो वो थोड़ा कम होता है वेट उनका, उनकी फिजिक थोड़ी अलग होती है, उनकी जो मसल्स है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी मेल्स की होती हैं, तो इस वजह से क्या है कि जो फीमेल का जो हार्ट है उसका वजन 250 ग्राम तक रहता है. आई बात समझ में? दूसरा और कोई डाउट ध्रुव? यस सर. सर हाँ बताइए. हाँ बताइए सर, लिम्फ कंपोजिशन में और क्या क्या होता है सर WBC के अलावा? देखो बेटा मैंने क्या कहा, ब्लड में से RBC हटा दो, ब्लड में से प्लेटलेट्स को रिमूव कर दो, और ब्लड में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को रिमूव कर दो. ये रिमूव होने के बाद पीछे जो व्हाइट फ्लूड है वो लिम्फ है. अब आप देखो लिम्फ में WBC रह गई, जो दूसरी प्रोटीन्स हैं वो रह गई, वाटर का कंटेंट आ गया, उसके अलावा जो मिनरल्स हैं, ग्लूकोज है, वो सब पार्ट आ गया. आई बात समझ में? और बोलिए और कोई? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए सर. ब्लड प्रेशर की एक बार डेफिनेशन रिपीट करना. देखो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड लगातार फ्लो करता है हमेशा बॉडी में, हार्ट पंप करता रहे ब्लड को, लगातार फ्लो हो रहा है ब्लड, तो ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, तो वो एक प्रेशर डाल रहा है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. द प्रेशर क्रिएटेड बाय द फ्लोइंग ऑफ ब्लड, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द फ्लो ऑफ ब्लड और फ्लोइंग ऑफ ब्लड
on the walls of blood vessels is called blood pressure. Understood? युवराज ठीक है और कोई क्योंकि टॉपिक ऐसा है बात करवा ही दो सभी से. हेलो सर. हाँ करण बताइए. तो गुड मॉर्निंग सर. सर मेरा डाउट था कि ये ब्लड प्रेशर जो है वो हाई या लो होता कैसे है, ऐसा होता क्या जिससे ये ब्लड प्रेशर. मेरी बात सुन ले, तेरा क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो ब्लड वेसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होगी. आज तू पानी का पाइप ले और पानी के पाइप को तू ऐसे दबा तो जो पानी का फ्लो है वो तेज हो जाएगा. तो जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है तो वो हो गया हाई ब्लड प्रेशर. वो हाई लेवल हो गया, हायर लेवल हो गया ब्लड का जो कि 120 mmHg तक माना जाता है नॉर्मल. और जब ब्लड वेसल्स वापस से रिलैक्स होती है तो इसे हम कहते हैं डायस्टोल होना और इस प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. तब ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है जो कि 80 mmHg होता है. आई बात समझ में. तो ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रेक्शन से और उनके रिलैक्सेशन से क्या होता है, ब्लड प्रेशर तेज होता है और कम हो जाता है. हो गया. तो बेटा मैं समझता हूं कि ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड लिम्फ, ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं और इनके फंक्शन भी मैं समझा चुका हूँ. ब्लड के, ब्लड का फंक्शन मैंने बताया कि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन. तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल होता है, ब्लड के द्वारा होता है. जबकि लिम्फ के द्वारा हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और लिम्फ के द्वारा जो फैट है वो एब्जॉर्ब होके वो ट्रांसपोर्ट होती है. अब बच्चों हम जा रहे हैं डिस्कस करने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अच्छा सभी स्टूडेंट अब तक के जो नोट्स हैं वो कंप्लीट कर लें क्योंकि आज ही मैं आपको जो लास्ट नोट्स हैं वो भेजने वाला हूं टेंथ के. तो आप कंप्लीट रखें पीछे के सारे नोट्स. अब हम लेते हैं बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. बच्चों आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. उनमें हर्ब्स भी हैं, छोटे प्लांट जो कि एनुअल होते हैं, श्रब्स भी हैं जो झाड़ियां हैं, और जो बड़े ट्रीज भी होते हैं जो काफी हाइट में होते हैं. लेकिन इन सभी प्लांट्स में लगातार जो सॉइल से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं वो उनमें ऊपर तक सप्लाई होते हैं और जो उनकी लीव्स के अंदर जो फूड का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो भी ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में. तो बच्चों ये पॉसिबल होता है प्लांट्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं उनके द्वारा. प्लांट्स के अंदर बच्चों वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं. वैस्कुलर टिश्यूज के मैं एग्जांपल दूं तो प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं. वो जो जाइलम होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं, सेंटर में होते हैं प्लांट्स के स्टेम्स के रूट्स के. और जो फ्लोएम होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं, जाइलम के बाहर की ओर पाए जाते हैं. बच्चों प्लांट्स के अंदर मटेरियल्स का या सब्सटेंसेस का एक रीजन से दूसरे रीजन तक जो डिस्प्लेसमेंट है या मूवमेंट है उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन रीजन ऑफ द प्लांट टू द अनदर रीजन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. आई बात समझ में. अब हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर बच्चों जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं. सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जाइलम की. बच्चों जो जाइलम है ये रूट और स्टेम के सेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं और ये जो जाइलम है ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. बच्चों जाइलम जो है मैं थोड़ा सा सुपरफिशियली इसमें समझा देता हूँ, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है ये. बच्चों जो जाइलम है ये चार प्रकार के कंपोनेंट से मिलके बनता है. जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा और ट्रैकेट्स. तो बच्चों ये फोर कॉम्पोनेंट्स हैं. आपको नाइन्थ में भी समझाया था मैंने टिश्यूज चैप्टर में, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा,
ट्रैकेट्स एंड वेसल्स. इसमें बच्चों खाली जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग हैं, लिविंग सेल्स हैं, बाकी तीनों ही डेड सेल्स हैं. बच्चों जो ट्रैकेट्स और वेसल्स है ये एक से दूसरे से कनेक्ट होके एक लॉन्ग चैनल बना लेती हैं और इनके अंदर छेद पाए जाते हैं जहां से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ऊपर तक लीव्स तक सप्लाई होते हैं. सेकंड लेते हैं बच्चों फ्लोएम. बच्चों जो पेरिफेरल पार्ट है या फ्लोएम का जो आउटर पार्ट है, सॉरी जाइलम के जो आउटर पार्ट है वहां फ्लोएम पाए जाते हैं और ये बच्चों ग्लूकोज को, स्टार्च को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो जाइलम भी बच्चों फोर टाइप के कॉम्पोनेंट से बनते हैं. ये पहला कॉम्पोनेंट है सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स. सेकेंड है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स. उसके बाद में लेते हैं फ्लोएम, फ्लोएम पेरेन्काइमा. और नेक्स्ट लेते हैं फ्लोएम फाइबर्स. बच्चों अब इसमें देखिए आप, इसमें खाली जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो डेड हैं. ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों जो कंपटीशन में पूछी जा सकती हैं आगे हायर क्लासेस में. फ्लोएम फाइबर इनमें जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, डेड होते हैं, जबकि जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स हैं ये लिविंग होते हैं. बच्चों जो सीव ट्यूब सेल्स है ये ई न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस एबसेंट होता है और इनके फंक्शंस को कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करती है. तो बच्चों इनमें जो सीव ट्यूब सेल्स है वो कनेक्ट होके सीव प्लेट्स बनाती है और आगे जो है इनके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो फ्लोएम के द्वारा बच्चों फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. अब बात करते हैं बच्चों कि किस तरीके से मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होती है ट्रांसपोर्टेशन की. बच्चों यहां पर एक टर्म मैं समझा रहा हूं आपको, ट्रांसपीरेशन. कोई बता सकता है ट्रांसपीरेशन क्या होता है? रेज योर हैंड. कोई एक स्टूडेंट जो ये बता सके व्हाट इज द ट्रांसपीरेशन, अगर आपने पहले कभी सुना है ट्रांसपीरेशन. लॉस ऑफ वाटर बाय बॉडी लाइक स्वेटिंग. अरे भाई साहब मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा बेवकूफ, मैं ट्रांसपीरेशन की बात कर रहा हूँ प्लांट्स के रिलेट करते हुए. हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मनुष्य में कब से ट्रांसपीरेशन होने लग गया? थोड़ा लॉजिक तो लगाओ. ट्रांसपीरेशन पाया जाता है प्लांट्स के अंदर. हाँ अब बोलो. सर मेरी वीडियो नहीं चल रही सर, तो मेरे को थोड़ा कुछ दिखा नहीं हो मेरी बहुत. बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपीरेशन रिलेट करता है प्लांट्स के लिए, है ना, ह्यूमन के लिए थोड़ी करता है कोई, है ना. हमारे अंदर जो लॉस होता है वाटर का वो तो स्वेटिंग हो गई, है ना. बोलिए. हाँ हार्दिक बताइए. कोई बात नहीं हार्दिक बेटा, सुनिए ध्यान से. जो ट्रांसपीरेशन क्या है मैं बता देता हूं. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. एक्सपोज्ड पार्ट कौन से हैं? जैसे कि लीव्स हैं, स्टेम्स हैं. तो यहां से वेपर के फॉर्म में जो रिमूवल होता है, जो लॉस होता है वाटर का, दैट इज द ट्रांसपीरेशन. आई बात समझ में? और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में, वो मैं आगे समझाऊंगा. सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स के लिए. प्लांट्स के अंदर जो रूट्स हैं, तो रूट्स के अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन की. बच्चों आपने पढ़ा है कि जो प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट है, वो रूट सिस्टम है और रूट्स के अंदर भी डिफरेंट पार्ट होते हैं और रूट की जो लेयर है उसे हम एपीडर्मिस कहते हैं और उनकी सेल्स को एपिब्लेमा सेल्स या एपिडर्मल सेल्स कहते हैं और रूट्स के ऊपर हेयर भी पाए जाते हैं. तो बच्चों जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है. रूट की जो सेल्स है उनके द्वारा एनर्जी खर्च होती है और उसके द्वारा जो मिनरल्स हैं वो एंटर कर जाते हैं रूट के अंदर. तो इसे हम कहते हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन. सेकंड लेते हैं बच्चों वाटर एब्जॉर्प्शन. अब बच्चों देखिए इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है.
बच्चों जब मिनरल्स अंदर एंटर कर जाते हैं तो एक ऑस्मोटिक डिफरेंस आ जाता है, तब जो कैपिलरी वाटर है सॉइल पार्टिकल के बीच में जो पानी होता है उसे दैट इज द कैपिलरी वाटर, वो अपनी फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर यानी कि रूट की सेल्स के अंदर जो है वो मूव कर जाता है, तो इसे हम कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? ड्यू टू द ऑस्मोटिक डिफरेंस। तो वाटर क्या होता है? रूट के अंदर हो जाता है। थर्ड ले एसेंट ऑफ सैप। जो अब जो मिनरल जो सॉल्यूशन बन गया है जो मिनरल और वाटर का, उसे हम सैप कहते हैं। तो वो जाइलम के चैनल में चला गया है एसेंट ऑफ सैप। अब उसकी ऊपर तक सप्लाई कैसे होती है? बच्चों जब ये सॉल्यूशन बन जाता है तो पहले तो एक रूट प्रेशर क्रिएट होता है जाइलम चैनल्स के बेस पार्ट में, तो रूट प्रेशर होता है जो कि धक्का देता है इसको, लेकिन वो लॉन्ग हाइट तक भेजने के लिए या सप्लाई के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसपीरेशन पुल, कि जब पत्तियों से जब लीव से वाटर का लॉस होता है, तो वाटर का लॉस होता है, इवेपोरेशन होता है, रिमूवल होता है, तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है लीव से लेकर नीचे तक जाइलम के चैनल्स में। तो इस सक्शन प्रेशर के कारण से जो जाइलम चैनल है उसमें एक जाइलम चैनल में एक पुल फोर्स लगता है जिसे हम ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं, और उसकी वजह से ऊपर से नीचे तक क्या है कि एक फोर्स क्रिएट होता है और जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ऊपर तक जो है खींचे चले आते हैं। तो इस तरीके से जो है बच्चों जाइलम के अंदर जो वाटर और मिनरल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सप्लाई होता है। बच्चों आज के टॉपिक को हम इतना ही रखेंगे, के रिमेनिंग पार्ट को इनके अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो नेक्स्ट कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी से फटाफट रेज हैंड। हां गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लक्ष्य, हां बताइए बेटा। सर आपने ट्रैकेट्स और वेसल समझाए थे ना? ट्रैकेट्स सर। हां सर, why trachets and vessels are the main conductive cells, sir? हाँ बेटा लक्ष्य, आपको याद होगा मैंने 9th में आपको जाइलम को पूरा डिटेल में समझाया था, और मैंने उस समय trachets और vessels का स्केच भी ड्रॉ करवाया था, और उसमें आपने देखा कि उनके अंदर उनके सेंट्रल पार्ट में पोर्स हैं, छेद हैं। तो एक हाँ तो वो एक पाइप की तरह काम करते हैं, ट्यूब की तरह काम करते हैं, एक ट्रैकेट फिर दूसरा ट्रैकेट फिर थे, तो एक से दूसरे ट्रैकेट का कनेक्शन होने पर क्या है कि उनमें जो छेद हैं वो आमने सामने आ जाते हैं और फिर एक लॉन्ग ट्यूब सी क्रिएट हो जाती है, जिससे क्या होता है वो वाटर और मिनरल को सप्लाई करने में अपना रोल प्ले करते हैं। आगे बात समझ में। एक और डाउट था। हाँ बताइए सर, दोनों ट्रैकेट्स और वेसल्स सर वो नॉन लिविंग क्यों होते हैं सर? ये कोई लॉजिक नहीं है भाई, जो डेड है वो डेड है, जो नॉन लिविंग है ठीक है ना, तो खाली जो जाइलम जो पैरेन्काइमा है, जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है जाइलम के वो ही लिविंग है, बाकी जाइलम फाइबर भी डेड होते हैं और जो ट्रैकेट्स और वेसल्स है वो भी डेड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, डेड होते हैं मतलब। अगली बात समझ में है ना? थैंक यू सर। हाँ हाँ और बोलिए। हाँ एनी अदर? रिशु हाँ बेटा बताइए। हाँ हेलो बेटा बोलिए। यस बेटा, सो व्हाई द वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल्स एंड द ऑरिकल्स हैव थिन वॉल्स? हाँ उसका कारण क्या है बेटा कि ऑरिकल्स में ब्लड आता है ठीक है ना, ये लेफ्ट पार्ट में तो आता है लंग्स से और राइट पार्ट में आता है बॉडी टिश्यूज से, फिर जो ब्लड है वो चला जाता है वेंट्रिकल्स में, अब वेंट्रिकल से सप्लाई करना है लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो इसलिए जो वेंट्रिकल्स की वॉल है वो थिक होती है, जिससे क्या है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो उनका प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो, जिससे क्या है कि जो ब्लड है वो एओर्टा में आगे तक सप्लाई हो सके, इसलिए उनकी जो वॉल है थिक होती है। हाँ थैंक यू सर। हाँ एनी अदर? बहुत ही कम टाइम बचा है बेटा, जल्दी से जो है अपनी क्वेरीज को पूछ लीजिए आप। अपेक्षा सर लास्ट पॉइंट समझ में। हाँ कौन सा? एसेंट ऑफ सैप। हाँ देखो बेटा क्या होता है कि जब जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल दोनों पहुंच गए हैं तो अब उनको ऊपर चढ़ना है प्लांट के अंदर, तो एक तो रूट प्रेशर उनको पुश करता है, दूसरा क्या है कि लीव्स के अंदर जब लीव्स की सरफेस से जब ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर का वेपोराइजेशन होता है, रिमूवल होता है, तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल।
तो उसकी वजह से लेकर लीव से लेकर नीचे तक एक पुल लगता है और वो पानी के चैनल को ऊपर तक खींच लेता है। आई बात समझ में? तो दिस इज नोन एज एसेंट ऑफ सेप। आगे बात समझ में? ओके हो गया, एक और ले लो फटाफट। हाँ हेलो, हाँ कपिल जल्दी बोलो, 1 मिनट रिमेनिंग है। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। मिनरल ऑफ एब्जॉर्प्शन समझा दो एक बार। अरे मिनरल क्या होता है कि जब ना रूट्स ग्रो करती हैं सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर, तो जो मिनरल्स हैं वो अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। इसके लिए जो रूट की सेल्स हैं उनमें एनर्जी खर्च होती है, तो एनर्जी खर्च करके जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। आगे बात समझ में? तो मिनरल्स जो हैं वो रूट की सेल्स में एंटर कर जाते हैं, इसे हम कहते हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन, जो कि रूट्स के द्वारा होता है। आगे बात समझ में? ओके बेटा, आज की क्लास को यही ओवर करते हैं। थैंक यू, कल की क्लास में मिलेंगे।